देखिए आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सपोनेंट एंड पावर, घातांक और घात। ठीक है, जैसे यहाँ पे दो गुने दो लिखा हुआ है ना, तो इसको जो हम देख रहे हैं यहाँ पे क्या है कि वो संख्या दो है, जो संख्या दो को दो से ही कितना बार गुना किया गया, पांच बार गुना किया गया है। संख्या दो को उसी संख्या संख्या दो से ही संख्या दो से ही कितना बार गुना किया गया, पांच बार जो है गुना किया गया है। तो जो पांच बार जो गुना किया गया वो हमारा बोलता है पावर, दो के पावर पांच। अब इसको लिख देते हैं ऐसे, दो को इसका मतलब क्या है, संख्या दो को संख्या दो से पांच बार गुना किया गया है, तो इसलिए पावर बोलेगा। और आधार, किस संख्या को पांच बार गुना के रूप में लिखा गया है, किस संख्या को, तो संख्या दो को पांच बार गुना के रूप में लिखा गया, इसीलिए इसको ये बोलते हैं हम लोग पावर माइनस तीन। अब बेस ठीक है, अगर सात के पावर हम आठ लिख दे तो इसमें पावर क्या होगा, आठ, पावर बराबर आठ और बीस बराबर टू टू दी पावर फाइव। पढ़ने का तरीका टू टू दी पावर फाइव, इंग्लिश में टू है ये, तो इसको टू बोलेंगे, और टू दी पावर, टू दी पावर, पहले इसको बोल दिया इंग्लिश में टू टू दी पावर, इसको क्या कहते हो, टू टू दी पावर फाइव, ये सिक्स है ना, तो सिक्स टू दी पावर टू, ये सेवन है ना, सेवन टू टू दी पावर थ्री। ठीक है, ऐसे पढ़ते हैं इसको, या हिंदी में पढ़ना चाहते हो तो कैसे पढ़ोगे, दो का घात पांच, दो का घात पांच, दो का पावर पांच, छ का घात दो, छ का पावर दो, नहीं सात का घात तीन, या सात का पावर तीन। और स्टैंडर्ड में पढ़ना चाहते हो तो दो की पांचवी घात, छ की दूसरी घात, सात की तीसरी घात। हमने लिख दिया दो के पावर पांच, टू टू दी पावर फाइव का मतलब क्या है, अर्थ क्या है, मीनिंग क्या है, तो इसका मीनिंग ये है कि संख्या दो को संख्या दो से ही पांच बार गुना किया गया है। अगर कोई कहे कि तीन का पावर सात है तो आपका मतलब होगा इस संख्या तीन को संख्या तीन से ही सात बार गुना किया गया, तीन चार पांच छह सात, अगर ऐसा रहेगा तो आप ये समझ लेना। ठीक है, पहले इसका मीनिंग समझिए, समझ गए, एक हमने पैटर्न दे दिया तो इसके मतलब सब सारे समझ जाना है इस आधार पे। ठीक है, तो हमने क्या किया कि दो के पावर पांच को हमने जो है संख्या दो को संख्या दो से ही पांच बार गुना कर दिया, जो इसका मीनिंग होगा। अब कह रहे दो के पावर पांच का गुणनफल, तो दो के पावर पांच का गुणनफल का मतलब अभी बताया कि दो के पावर पांच का मतलब संख्या दो को पांच बार गुना किया गया, तो गुना करके तो लिखोगे ना कुल, तो उसका गुणनफल हो जाएगा। ये हमने जो पांच बार लिखा दो के पावर पांच का मतलब, उसको हम गुना करके लिख लेंगे उसका गुणनफल क्या होगा, तो दो दुनी चार, चार दुनी आठ, आठ दुनी सोलह, सोलह दुनी छत्तीस, तो दो के पावर पांच बराबर क्या आ गया। अब यहाँ पे मीनिंग देखिए, दो के पावर पांच बराबर अगर बत्तीस है तो कहता है कि दो के पावर पांच संख्या बत्तीस का घातांकीय रूप है। इसका क्या रूप है, ये घातांक रूप में नहीं आ गया है, दो के पावर पांच, तो दो के पावर पांच संख्या इस बत्तीस का क्या रूप है, घातांकीय रूप, इसीलिए बत्तीस का घातांकीय रूप मान लीजिए आपको निकालना पड़ता जो दो के पावर पांच आया है। नहीं तो कैसे निकालते,
तो 32 का घातांकीय रूप बराबर इस 32 का भाग गुणनखंड तोड़ लोगे, है ना। जैसा कि आप पहले जानते हैं सब तोड़ दिया हमने, तो इसको तो फिर कैसे लिखते हैं, दो गुने दो गुने दो गुने आया है ना, दो गुने दो गुने दो गुने दो गुने दो, तो यही हमारा दो। और अब संख्या दो को कितनी बार संख्या दो से गुना किया गया था, इसका एक उठा लेते हैं और एक पांच बार, तो एक 32 का घातांकीय रूप हो जाएगा 2 के पावर 5 संख्या 32 का घातांकीय रूप है। अब 32 का घातांकीय रूप, 32 का घातांकीय रूप क्या होगा, 2 के पावर 5, 32 का घातांकीय रूप है ना 2 के पावर 5 संख्या। अब संख्या 32 क्या है, तो 2 की 5वीं घात, संख्या 32 जो है 2 की 5वीं घात, ये 32 जो है संख्या 2 की 5वीं घात, यहीं पे तो लिखा हुआ कह रहा है कि घातांकीय रूप में लिखिए, तो घात वाला रूप में लिखना है, तो ये हमारा 2 है तो उठा लिए, ये कितना बार लिखा गया है, 3 बार, तो उसके ऊपर 3 कर दीजिए, ये -5 है इसको लिख लीजिए, और ये कितना बार लिखा गया है, 2 बार, इसका घातांकीय रूप हो जाएगा 3/7 उठा लीजिए, और 3/7 को 3/7 से कितनी बार गुना किया गया है, 4 बार, 1 2 3 4 कर लीजिए, ठीक है। और 1 × 1 × 1 ये उठा लीजिए, 1 को एक से ही कितनी बार गुना किया गया है, 5 बार, अगर 4 बार हो रहा था तो 4 लिख रहे थे, तो यहाँ पे आप एम लिख दीजिए, यही हो जाएगा। पहले इसका मतलब क्या है कि 3 को 3/4 बार गुना किया गया है, हाँ 2 3 4, ये कितना हो गया, 3 × 9 = 27, ठीक है। हरापन करो, ये कितना हो जाएगा, 3 × 3 × 3 बराबर 27, ये हो गया 3 × 3 बराबर 9, ये हो गया 3 क्या, हलापन के लिए। आप क्या देख रहे हैं कि जैसे पावर कम हो रहा है, थोड़ा सा तर्क बनाएंगे यहाँ पे, 3 का पावर 4 है तो उसका वैल्यू 81 आया, उसका मान 81 आया, 3 के पावर 3 है तो उसका मान 27 आया। जैसे पावर कम हो रहे हैं तो वैल्यू भी क्या हो रहा है, कम हो रहा है। अब कितना कम हो रहा है आपको मालूम है, 3 कम हो रहा है 81 से 27, 1/3 गुना उसका कम हो रहा है, देखिए ना 81 × 1/3 किए 27 हमारा लिख रहा है। अब इस 27 का 1/3 करोगे 9 वाला निकला, देख रहे हो, अब इस 9 का 1/3 कर रहे हो ये निकला है, तो आप इसका अगर मान तुम्हें निकालना हो तो तुम क्या करोगे, इसका क्या करोगे, 1/3 गुना करोगे, तो इसका मान कितना होगा, 3 × 0 का मतलब क्या होता है, 1। आज याद कर लीजिए, किसी भी संख्या का पावर अगर 0 है तो उसका मान 1 है, किसी भी कंपटीशन किसी भी बोर्ड में पूछा जाता है, ठीक है। अब तर्क शक्ति के द्वारा आपको बता दिया है कि नहीं, अब यही 3 × -1 का कितना मान हो जाएगा, अब बताइए ना आप लोग कितना होगा इसका, -3 हो जाएगा, -1/3, अब इसका मान निकालना है तो इसी में गुना करो, हमने बताया कि इसका अगर वैल्यू 1 है और देख रहे हो इसका ऐसे 1/3 करते जा रहे हैं तो इसका वैल्यू निकल जा रहा है, तो 1 × 1/3 ये कितना हो गया, 1/3, यानी 3 के पावर -1 का वैल्यू 1/3, अब 1/3 में 1/3 से इसका वैल्यू निकलेगा ना जी, 1/3 × 1/3 ये कितना हो गया, 1/9, इसका वैल्यू क्या होगा, 1/27,
एक बटे सत्ताईस, एक बटा इक्यासी, एक बटा इक्यासी। ये जो मान होता है अपने पूर्व मान का एक बटा दसवा भाग होता है। जब यहाँ पे अपर अगर आप आते तो 10 के पावर 1 का मतलब 10, तो आपसे अगर कोई पूछे 10 के पावर 0 का मतलब, तो ये जो 10 के पावर 0 अपने पूर्व मान का एक बटा दसवा भाग होता है। तो इसका पूर्व मान क्या है? एक बटा दस, मैंने 10 के पावर 1 है ना, इसका पूर्व मान है ना, बोलेगा पहले वाला मान 10 0 के पहले क्या था, 1 आता है, तो इसका मान क्या होगा अपने पूर्व मान का एक बटा दस होगा, तो कट जाएगा तो इसका मान 1 हो जाएगा, है कि नहीं? जैसा उसमें सिखाया गया था उसी तरह से 5 वाला है। अगर ये कह रहे हो कि 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5 है, 25 25 25 625, तो इसका मान क्या होगा? तो इसका मान होगा पूर्व मान का इसके पहले वाले मान का एक बटा पांच होगा। तो इसका पूर्व मान कितना है? 625 का एक बटा पांच, ये कितना? 125, यानी इसका मान 125 हो जाएगा। अब इसका मान क्या होगा? एक बटा पांचवा भाग अपने पूर्व, तो इसके पूर्व मान 125 होगा, 125 गुणे एक बटा 25 पचास, इसका मान क्या होगा? तो अपने पूर्व मान का, तो इसका पूर्व मान क्या है? 25, तो 5 आएगा कि नहीं आएगा? इसका मान क्या होगा? तो अपने पूर्व मान का एक बटा 5, तो एक हो गया। समझ में आ गई बात? चलिए अब देखिए, इसमें तो यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होती है, यहाँ पे जीरो पे आया था तो आप लोग को दिक्कत हुआ, तो इसको भी हमने बता ही दिया, ठीक है? अब ये माइनस वाला समझिए, कितना आप ऐसे करते रहोगे गुना, तो अगर किसी का भी पूर्णांक माइनस वन हो, घात क्या हो? माइनस वन, घात घातांक माइनस वन के रूप में हो, जानिए माइनस वन के रूप में हो, तो उसको कैसे लिखेंगे? तो उस समझ लीजिए उस माइनस का अर्थ है उसका उल्टा। पहला बंद कीजिए, देखिए वहां से फिर एक बार समझा रहा हूं। 3 to the power -1 दे रखा है, तो आप समझना इस माइनस से इसका उल्टा, किसका उल्टा? इस 3 का उल्टा। तो 3 का उल्टा क्या होता है? जानिए वो कुछ नहीं रहता, 3/1 होता है ना, इसके हमेशा नीचे 1/2 लगा रहता है। किसी भी पूर्णांक को हम परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं 1/2 लगा के, बताया हूँ 3/1 है लेकिन लिखा जाता है 3, अगर इसका हम कहें उल्टा तो 1/3। तो 3 to the power -1 का मतलब होगा इस संख्या का उल्टा, 3 का उल्टा, जिसे हम पूछेंगे वही बताएगा। अगर 5/2 लिखा है इसी तर्ज पे, अब माइनस वन लिखा है तो इसका अर्थ कितना होगा? मिनी बटा पांच, बताएगा यानी 5/2 का उल्टा, 5/2 के उल्टा यानी 5/2 उल्टा बोलने लायक हो, 5/2 के उल्टा मैथ के भाषा में कि 2 के ऊपर भेजो 5 के नीचे दिया, तो ये हो गए 2/5। जरा से पूछे हुए बताइए, अगर x बटा वाई बा और पावर माइनस वन हम कर देंगे तो कितना वैल्यू हो? समझ में आ गया? सिर्फ इस माइनस से देखना है, उसका उल्टा कर देना। बातें समझ में आई? आप चलिए ये के लिए तो वो हो गया। अब जैसे यहाँ 3 to the power -2 लिखा हुआ है, नहीं 3 to the power -2, इसका मीनिंग क्या होगा? 3 to the power -2, माइनस आपको एक ही चीज याद रखना, जब माइनस दे दे तो उस संख्या का उल्टा लिखना, तो संख्या का उल्टा कितना लिख दे लो? 1/3 9 कर लो, 3 के उल्टा कितना हुई? 1/3 माइनस बता दिलक पावर ऑफ 2/2, तो 2 रहे 10, 2 रहे 1/3 के स्क्वायर का मतलब का भाई? 1/3 गुना 1/3 1/9,
वैल्यू आई बा। हाँ अगर वही लिखा हुआ है कि तीन के पावर माइनस तीन, समझो सब एक एक बार, तो तीन माइनस खाली याद रखना, ये मेरा सूत्र याद रखना, ट्रिक याद रखना, माइनस बताएगा उल्टा, किसी भी संख्या का उल्टा, तो तीन का उल्टा कितना होगा? एक बटा तीन। अभी काम खत्म, माइनस वाला काम है करके बदल दे लो, और ऊपर का दे लो बात, पर मतलब का होला एक बटा तीन, एक बटा तीन, एक बटा तीन, अभी ना सीखे हैं। अगर तीन बार लिखा है तो एक बटा तीन को तीन बार गुना के रूप में लिखा जाएगा, तो एक बटा तीन त्रिका नौ, एक बटा सत्ताईस आई, समझ में आया? अगर वही अब लिख दे कि चार बटा तीन के पावर माइनस दो, तो क्या वैल्यू होगा इसका? तीन बार तीन अभी है ना, अब हो गया तीन बटा चार के पावर दो, अब इसको लिख लेंगे तीन बटा चार गुणे तीन बटा चार नौ बटा सोलह, समझ में आया? माइनस थ्री टू दी पावर माइनस वन का गुणात्मक प्रतिलोम, तो आपको सिखाया है गुणात्मक प्रतिलोम कब होता है, जब दो संख्याओं को गुना किया जाए और उसका गुणनफल एक आ जाए तब उसे हम गुणात्मक प्रतिलोम कहते हैं। तो थ्री टू दी पावर माइनस वन का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा? तो कह रहा है कि थ्री प्लस वन होगा, तो चलिए तो तीन माइनस वन का मतलब क्या होगा? तीन का उल्टा एक बटा तीन, और उसका कह रहा है गुणात्मक प्रतिलोम थ्री प्लस मतलब उसका पावर वन है, तो तीन तीन होगा, कितना आ गया? एक। हला बंद कीजिए, आप देखिए कह रहा है थ्री माइनस टू का गुणात्मक प्रतिलोम कह रहा है कि तीन का पावर दो है, नहीं तो तीन के पावर दो का मतलब तीन का उल्टा, तीन का उल्टा कितना होता है? तीन, एक बटा तीन का पावर स्क्वायर, ऐसे कर दो गुणा, या बताता हूँ, तीन के पावर दो का मतलब तीन गुने तीन, तीन के पावर देखिए तो एक, एक का स्क्वायर बटा तीन का स्क्वायर बराबर तीन का स्क्वायर, एक का स्क्वायर एक, एक बटा तीन का स्क्वायर का मतलब एको पर स्क्वायर है, तीनों पर स्क्वायर है, या यूं लिख सकते थे ना एक बटा तीन गुने एक बटा तीन एक बटा नौ, आप कोई भी मैथ का नियम यूज करो सब सही होगा, ठीक है? तो एक बटा नौ आप गुना तीन तीन का नौ, कितना आ गया? तो समझ में आया? तो इसमें हो क्या रहा है कि माइनस है तो प्लस, अगर इसका पूछे तो माइनस, अगर इसी तरह कह दिया है एक बटा तीन का स्क्वायर का गुणात्मक प्रतिलोम, तो एक बटा तीन के पावर माइनस दो, यहाँ प्लस है पावर तो यहाँ माइनस, सेम टू सेम वही चीज होगा, अब गुना करोगे तो वही है तीन के पावर माइनस दो को, तो हम तो ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, एक बटा तीन के पावर दो लिख सकते हैं, और तीन के पावर दो को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, अगर बटा के रूप में लिखना हो तो एक बटा तीन के पावर माइनस दो, इसको अगर ऐसे लिखना हो तो ऐसे लिख सकते हैं, और इसको ऐसे लिख सकते हैं, है ना, एक बटा तीन के पावर माइनस दो है, तो इसका मतलब समझिए कि तीन का पावर दो है, समझ में आया? माइनस तीन ए टू दी पावर एन हो जाएगा, ए हो जाएगा ए माइनस एन, और ए हो जाएगा एक बटा ए माइनस एन, और ए हो जाएगा ए माइनस एन, ए प्लस एन, कितना आसान है, और ये देखिए इसका हो जाएगा दो का पावर तीन, दस के पावर चार, आठ के पावर माइनस सोलह, आठ के पावर माइनस सोलह, सात के पावर माइनस एन, ठीक है माइनस वन, तो माइनस वन क्या हमारा ऋणात्मक पूर्णांक है, मैंने बताया उन्होंने माइनस वन क्या है ऋणात्मक पूर्णांक है, ये भी ऋणात्मक पूर्णांक, ये भी ऋणात्मक पूर्णांक, ये भी माइनस थ्री भी ऋणात्मक पूर्णांक है, पूर्णांक उन संख्या सत्व आपको जानकारी करा दिया हूँ ना, तो कोई दिक्कत नहीं ना पूर्णांक पहचानने में, तो कह रहा है कि जब ऋणात्मक पूर्णांक की घात विषम होती है तो हमें मान ऋणात्मक प्राप्त होता है, और जब घात सम हो तो मान धनात्मक प्राप्त होता है, यहाँ पे हम देखिए माइनस वन जो ऋणात्मक पूर्णांक था उसका पावर छह सम संख्या है ना, तो हमें वैल्यू क्या आया है प्लस में आया हुआ है, ये पांच जो है विषम संख्या है तो इसका वैल्यू माइनस में आया है,
सम बार है तो इसका वैल्यू ऐसे आया। क्यों ऐसा हुआ है तो आप जानते हो कि माइनस गुने अगर माइनस गुने माइनस दो बार ही लिख दिया सम बार यही पर देख लो तो प्लस तो माइनस रुक जाओ छह बार लिख देता हूं उसको एक दो तीन चार पांच छह। आप जानते हैं कि माइनस गुने माइनस जैसे दो बार आए तो प्लस हो जाता है ना, यहाँ हो गया प्लस, फिर ऐसे आए प्लस माइनस माइनस, तो दो असमान चिन्ह हमेशा माइनस होते हैं। अब फिर इस माइनस में यहाँ गए प्लस, जैसे चार बार पहुंचे तो प्लस, जैसे सब संख्या पर पहुंच रहे तो प्लस, फिर यहाँ माइनस, प्लस गुने माइनस क्या होता है माइनस, फिर माइनस गुने प्लस। ये बात समझ में आ गई, इसलिए ऐसा होता है। तो इसके लिए एक ही सूत्र याद कर लेना है कि अगर विषम बार है तो माइनस होगा, अगर सम बार में है तो ठीक है।